उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी चतुर्थ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश खेल निदेशक आरपी सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के नाम पर चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा और 4 दिसंबर को इस खेल का समापन एवं पुरस्कार वितरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली विजेता टीम को 2 लाख रुपया, उपविजेता टीम को 1 लाख रुपया तथा सेमीफाइनल में पराजित होने वाले दोनों टीमों को तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार खेल विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, टाइम मिलता नहीं है तो आदमी का अब यहाँ आए तो ये मीटिंग कर लो, वो मीटिंग कर लो, ऑनलाइन कर लो। अरे ऑनलाइन है, मीटिंग करने आए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के नाम से अखिल भारतीय प्राइज मनी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इसमें आप जानते हैं कि जो प्रो कबड्डी लीग होती है उसमें से बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो इसमें भी प्रतिभाग करेंगे और आने वाले दिनों में 1 से 4 तारीख तक, 1 दिसंबर को शुरू होगा और 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका समापन किया जाएगा, और जिसमें कि बहुत अच्छे स्तर के कबड्डी प्रतियोगिता देखने का मौका मिलेगा। इसमें जो है 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जैसे कि आर्डिनेंस फैक्ट्री महाराष्ट्र, ITBP नई दिल्ली, जार्ज रेजिमेंटल बरेली, आर्मी रेड नई दिल्ली, आर्मी ग्रीन दिल्ली, JD एकेडमी नोएडा, उत्तर प्रदेश की इसमें एकादश की टीम प्रतिभाग कर रही है, इंडियन नेवी भी इसमें भाग ले रही है, एयरफोर्स है, सोनीपत है, साई सोनीपत, KS नैन एकादश बागपत और हरियाणा 11। ये 12 टीमें हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और अपने अपने खेल का प्रदर्शन करके फाइनल मैच 4 तारीख को खेला जाएगा। विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए और जो तीसरे चौथे स्थान पर रहेंगे उनको 50,000, दोनों टीमों को 50,000 नगद पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।